लानबे तब ना हिंदे हलो खोलो हिंदे आओ हिंदे इधर 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 हमको रात को 9 बजे आसपास इन लोग का फोन आया, 8-9 बजे लगभग। तो उसी समय इन लोग बताया कि इधर बहुत सारा हाथी आया हुआ है, लगभग 50 की संख्या में। तो हाथी आया है तो जितना भी हम लोग का फसल अभी लगा हुआ है, धान की फसल देख लीजिए किस तरह का रौंदा है, हाथी बर्बाद किया है। अभी अभी थोड़ा देर पहले आप देखे तो इस तरह का फसल बर्बाद हुआ है। तो हम लोग अब वन विभाग को हम खुद अपना सूचना किए कि इस तरह का हुआ है, अविनाश जी आप चले आइए। तो वन विभाग भी मेरे कहने पर वो लोग पटाखा वगैरह कुछ ले के आए थे, फिर मोबाइल लेके आए थे, वो सबका वितरण भी हम लोग कर दिए हैं। एरिया में आकर फसल बर्बाद किया है, वन विभाग के भी टीम हम लोग साथ में सभी आए, तो वन विभाग के द्वारा भी पटाखा उपलब्ध कराया गया। जो पर्याप्त नहीं था तो हम लोग भी अपने स्तर से पटाखा उपलब्ध कराए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो हाथी आया है, अभी भगा देंगे, 10 दिन बाद फिर आएगा। अभी किसी तरह फसल जितना बर्बाद किया फिर कुछ लोगों का करेगा, जब फसल पूरा तैयार हो जाएगा उस समय आगे फिर बर्बाद कर, इसका पुराने सोल्यूशन चाहिए। अगर ये चीज नहीं होता है तो हम लोग 15-20 दिन के अंदर एक पूरा तमाम राह सुना हो तो सब तरफ से, सब लोगों से, सब पब्लिक से मिलेंगे और एक बड़ा आंदोलन हम लोग आसू पार्टी के बैनर तले करेंगे। फॉरेस्ट विभाग अभी तो जैसे इस क्षेत्र में हम लोग का जैसे बुंडू रेंज में अभी एक सप्ताह से लगभग हाथी आया हुआ है और दोनों इधर सिल्ली तरफ से और एक तमार रेंज से दो ग्रुप आया हुआ है हाथी, और कुछ सताकी तरफ भी निकला हुआ था पर उधर से भी वापस लौट के फिर हम लोग का रेलाडी जंगल में लगभग 50 का संख्या में हाथी अभी जमा हो गया है।